मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर बोरगा के पास सोमवार सुबह 6 गाड़ियां आपस में बुरी तरह से टकरा गई। इनमें 3 कार, एक प्राइवेट बस, एक टेम्पो और एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है तो 6 घायल है। घायलों के पास से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद मुंबई से पुणे की ओर जाने वाले मार्ग पर पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मृतकों में शामिल 3 लोगों को कार में सवार थे। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे खड़े मुर्गियों से भरा ट्रक में सबसे पहले एक कार टकराई, इसके बाद पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर कार से भिड़ गई। इससे कार पूरी तरह से पिचक गई है। इसमें सवार तीनों लोगों के शव को निकालने के लिए कार को काटना पड़ा। मौके पर हाईवे पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। जानकारी के मुताबिक हादसे में ट्रक ड्राइवर की गलती सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।